साडे चैनल विच आप सब का स्वागत हो गई। हाँ जी दोस्तों, पंजाब सरकार वालों की है जो 6वीं तनखाह कमीशन संबंधी एक चिट्ठी जारी की गई है, जिदे विच की है ये जिहड़ी कि जथेबंदियां दी मंग भी सी कि जो 1/1/2016 तो 20/9/2021 तक जिहड़े प्रमोट होए हैगे है उन्हां नूं की है डेट ऑफ प्रमोशन तो 15% का वादा दिता गया है इस पत्र दे विच। बस इस पत्र दे विच की है काफ़ी शर्तां रखियां गई हैगियां जिहड़ियां इहदे विच की है कई मुलाजमान नूं काफ़ी बेनीफिट भी हो रहा है, जिवें कि कई की है जो ETT तो मास्टर केडर दे विच प्रमोट होए हैगे है ते कई जिहड़े की है ETT तो लैक्चरार केडर दे विच ते मास्टर केडर तो लैक्चरार केडर दे विच ते क्लर्क तो जूनियर असिस्टेंट बने भी होर भी काफ़ी के जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन लैके प्रमोट होया ते उन्हां नूं की है जिहड़ा 15% का वाधा डेट ऑफ प्रमोशन तो दे दिता गया हैगा है। इस वीडियो दे विच आपां की है डिटेल दे विच वेखांगे कि बेनीफिट इस नाल हो रहा है। उस तो पहला आपां वो पत्र दे विच जिहड़ी कंडीशनज हैगियां उस नूं रीड आउट कर लईए। 2021 तक प्रमोट होए हन वह रिवाइज्ड तनखाह का लाभ उन्हां दी प्रमोशन दी मिती तो लैण संबंधी ऑप्शन दे सकदे हन, जिवें कि सैकंड पुइंट दे विच दस्सिया गया है कि रिवाइज तनखाह दा लाभ प्रमोशन दी मिती तो लैण वाले अधिकारी कर्मचारी नूं प्रमोशनल पोस्ट ते फिक्स कीती गई तनखाह, जिवें कि जेकर कोई कर्मचारी ETT तों मास्टर केडर दे विच आया तां की है प्रमोशनल पोस्ट ते फिक्स कीती गई जिहड़ी तनखाह हैगी है उहदे उपर उसनूं 15% दा की है वाधे दा लाभ मिल सकदा है, पर उत्थें कि DA सिर्फ तुसीं 113% ही काउंट करना हैगा है। जे फर्ज करो 2018 दे विच कोई भी कर्मचारी जेकर प्रमोट होया पर DA उहदा की 113% ही काउंट करना हैगा। उस तों बाद जिहड़ा की है इत्थे इह वी स्पष्ट कीता जांदा है कि जिहड़ा इसका उन्हों कोई एरियर नहीं मिलेगा, इतने थोड़ा जा नुकसान हैगा पर वह जो नुकसान की है ये कवर हो जाएगा। उस तो बाद प्रमोशन पोस्ट के 15% के वाधे नाल फिक्स होने वाली रिवाइज तनखा नाल की है डेट ऑफ इंक्रीमेंट भी चेंज हो जाएगी। आओ आप इस एग्जाम्पल राही वेखते हैं। साढ़े कोल की है जेकर एक टीचर हैगा जिहड़ा ETT 2 मास्टर केडर दे विच प्रमोट होया, प्रमोट कड़ी डेट नूं होया 1/4/2017 नूं वह प्रमोट हो गया है, 1/4/2017 नूं वह प्रमोट होया ते उन्हां दी जिहड़ी की है 1/1/16 नूं जिहड़ी बेसिक तनखाह है वह है 13,090 प्लस 4200 ग्रेड पे। उस दे उपर जेकर DA दा लाभ लगा के उन्हां नूं जिहड़ा बेसिक पे बन जाएगी उन्होंने 17,290 DA 113% 19,537 ते 36,827 के उपर जेकर 15% का वाधा दिता जाए तो 5,524 रुपये वह लगा के 48,351 तो वह की है लैवल 8 दे विच सैल नंबर 16 दे विच की है 44,900 ते उन्हां दी बेसिक पे फिक्स हुंदी है, ये 1/1/16 दी बन जाएगी 43,600 ते एक इंक्रीमेंट उन्हां नूं मान के चलो जेकर जनवरी दे विच लगती तो 44,900 उहदी बेसिक पे हो जाएगी जेकर वह डेट ऑफ जिहड़ा प्रमोशन तो इंक्रीमेंट नहीं लैंदा। हुण आपां गल करदे हां दूजे केस दे विच जेकर वह 1/4/17 नूं प्रमोट होए हन, 1/4/17 नूं की है जेकर उन्हां दी बेसिक पे जिहड़ी मास्टर केडर दी 18,450 बेसिक पे हैगी है, 18,450 बेसिक पे उन्हां नूं 1/4/17 तों मिलेगी, उस दे उपर DA 113% लगा के ते वाधा लगा के 5,5895 रुपये ते 45,194 रुपये दा ये वाधा बनता है, तो जिहड़ा कि लैवल जिहड़ा 9 दे विच सैल नंबर 7 दे विच 45,400 रुपये ते फिक्स हुंदा है ते 1/4/17 नूं उन्हां दी बेसिक पे ये हो जाएगी। इत्थे कि जिहड़ा इंक्रीमेंट डेट हैगा वह की है अगली जिहड़ी इंक्रीमेंट आ उन्हां नूं 1/1/18 नूं लगनी सी बट वह की है चौथे महीने 2018 दे विच नैक्सट इंक्रीमेंट लगेगी, तो उत्थे की है इन्हां नूं जिहड़े मुलाजम नूं की है तकरीबन जिहड़ा हैगा 1,000 के करीब जिहड़ा बेनीफिट होया हैगा। इस तरह जेकर आप होर केसिस की गल करिए सैकेंड केस की गल करिए जेकर लैक्चरार दे विच प्रमोट होया तो इत्थे की है वह वाधा थोड़ा जा ज़्यादा हो जाएगा, इत्थे की है जिहड़ा एरियर मिलन योग नहीं हैगा बट जिहड़ा वह एरियर की हैगा वह कवर हो जाएगा नैक्सट पीरियड के विच। उत्थे आपां जे गल करदे आं हुण आपां एक होर केस लैने आ, एक होर केस दे विच की हैगा
बेसिक पे जड़ी ऑलरेडी ही ज़्यादा होवे। जिवें कि फर्ज करो एक एक 16 नू जड़ी किसी जड़ा कि ETT कैडर दे जड़ा टीचर हैगा है उहदी जड़ी बेसिक पे 18,910 है। तो जड़ा कि है जेकर मास्टर कैडर दे बेसिक पे जड़ी बिगिनिंग दे विच हुंदी है वो 18,450 है। तो उस केस दे विच की होएगा जिवें कि एक एक 16 नू इन्हां दी जड़ी बेसिक पे सीगी वो 18,910 सीगा, उस दे विच की जड़ा 15% जड़ा वाधा लगा के वो जड़ा उन्हां नू की वाधा लगा के वो लैवल जड़ा की है 8 दे विच जड़ा ग्रेड पे जड़ा 3,000 दे विच सैल नंबर 17 च फिक्स हुंदा है। कहने दा भाव बेसिक पे उन्हां दी 47,600 बन जाएगी। ते जदों प्रमोशन जिहड़ा कि 1/7/2016 जदों प्रमोट हो गए मास्टर केडर की पोस्ट से तो उन्होंने जी बेसिक पे की है जी बेसिक पे जी फिक्स होएगी वो जी बेसिक पे फिक्स होनी सी 18,710 के विच ग्रेड पे की है 5,000 हो जाना सी इन्हों का। तो जी बेसिक पे की है जी इन्हों बन जाएगी वो 19,710 बन जाएगी। 19,710 बेसिक पे बन जाएगी। ये जी बेसिक पे है वो इन्हों की जी बेसिक पे है 1/7/2016 कहने का भाव डेट ऑफ प्रमोशन तो जी बेसिक पे इन्हों की ये बन गई है। तो जेकर आप इस दे उपर काउंट करिए तो यह जो कि 19,710 जोड़ा कि बेसिक पे हैगा DA 113% लगा दिता है तो वह की है जोड़ा कि सैल नंबर 48,200 जोड़ा की है लैवल 10 दे विच इत्थे फिक्स हो रही है। तो इत्थे भी की है बेनीफिट हो रहा हैगा है। बट इत्थे की है जिन्नी जल्दी थोड़ी प्रमोशन हुई हैगी है उन्ना थोनू लाभ होएगा। जेकर थोड़ी प्रमोशन 2018 या 19-20 दे विच हुई है तो उस नाल कि थोड़ा एजर का नुकसान उन्ना ही ज़्यादा हो जाएगा। बट फिर भी जोड़ा की है ये जोड़ा की है ऑप्शन लैन दे विच बेनीफिट ज़्यादा है उस नाल कि जोड़ा बेसिक पे दे उपर जो DA मिलेगा उस नाल भी काफ़ी फर्क पै जाएगा। तो ये की है जोड़ा कि थोनू कंटिन्यू इन हैंड मिलता भी रहेगा। जो DA की है उसका हले कोई लैटर वगैरह नहीं कदों किमें बकाया मिलना है। सो की है अकॉर्डिंग टू मी जोड़ा की है डेट ऑफ परमिशन तो जोड़ा की है ये इंक्रीमेंट जोड़ा है बेनीफिट जो 15% लैन का हैगा है। जेकर फिर भी कोई डाउट है तो तुसी कमेंट बॉक्स के कमेंट करके इस बारे जानकारी ले सकते हो। तो जेकर तुसी साडा चैनल हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो उसने भी सबसक्राइब जरूर कर दियो।